एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति के बारे में बात कर रहे थे। परसों ड्राइवर के बारे में बात की थी। शक्ति का उद्देश्य है अपनी मंजिल पर पहुंचना। शक्ति का उद्देश्य है अपनी मंजिल पर पहुंचना। शरीर का उद्देश्य है अपनी सुख सुविधाओं का भोग करना। प्रधानता संसार में संसार के साधनों की शरीर की है, परंतु चेतना के क्षेत्र में आत्मा की है। दोनों क्षेत्र में चेतना की ही प्रधानता है, शक्ति की ही प्रधानता है। शक्ति के बगैर शरीर कुछ नहीं कर सकता, पर शक्ति से शक्ति का भी और शरीर दोनों का, संसार का भी और चेतना का भी, दोनों का लाभ है। ये बात अगर हमें समझ आ जाए तो हमारी आंतरिक उत्कृष्टता और व्यावहारिक श्रेष्ठता, आंतरिक उत्कृष्टता और व्यावहारिक श्रेष्ठता दोनों क्रियाशील हो जाएं, होता क्या है? शक्ति सहज और सरल होती है, मन कठोर और उद्दंड होता है। इसलिए मन की शक्ति आत्मा को अपने बंधन में बांध लेती है। और ये समझ नहीं पाते कि हमारा भला बुरा किसमें है। आदमी मौज मारने के लिए गुप्त रूप से अपने अंदर दोष दुर्गुणों को बचा करके रखता है। अच्छे समझे जाने वाले व्यक्ति अच्छाइयों को संभाल करके रखते हैं, वैसे एक बात कहूंगा, अच्छे व्यक्तियों में भी दोष छुपे रहते हैं और वो खुद छुपाए रखते हैं। वही विकृतियां पैदा करते हैं। ये उनकी भूलों, त्रुटियों का ही परिणाम होता है जो इस संसार में सहज और सरल वो अपनी जिंदगी नहीं जी पाते। अभी जैसा कहा था, चेतना का तो लक्ष्य है कि वो अपने स्रोत की तरफ जाना है, उसको उसको चलाना नहीं पड़ता किसी को। स्वाभाविक
उसका गुण है। स्वाभाविक गुण होने के कारण मन उसका दुरुपयोग कर जाता है। कई बार बुरे समझे जाने वाले व्यक्ति समय आने पर अपनी अच्छाइयों का फायदा उठा जाते हैं और कई बार अच्छे व्यक्ति अपनी बुराई को आ जाने पर अपना दुरुपयोग कर जाते हैं। अब निचोड़ बात में एक आती है, अच्छा व्यक्ति भी अपनी बुराई के सामने मजबूर है, बुरा तो है ही है। दोनों मजबूर हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक सत्यवादी व्यक्ति है और साथ में ब्रह्मचारी भी है, यदि उसका स्वभाव क्रोध का है, सत्यवादी भी है और ब्रह्मचारी भी है परंतु उसका स्वभाव क्रोध का है, तो सत्य और ब्रह्मचर्य इन दोनों से व्यक्ति प्रभावित होंगे या क्रोध से प्रभावित होंगे? लिखिए, एक व्यक्ति सत्यवादी भी है और ब्रह्मचारी भी है परंतु स्वभाव से क्रोधी है, वो अपने सत्य के सामने असत्य को नहीं देखना चाहता, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और ईमानदारी से करता है, परंतु जो भोग विलास का जीवन जीता है उसको देख करके उसको क्रोध आता है, स्वाभाविक है उसका, तो वह सबका मित्र होगा या शत्रु होगा? लोग उसका विरोध करेंगे या सहयोग करेंगे? बेटा लिखा नहीं किसी ने भी अभी, लोग उसका सहयोग नहीं करेंगे क्रोध के कारण उसका विरोध होगा, इसका दोष सत्यवादिता को दिया जाए या ब्रह्मचर्य को दिया जाए? लिखो बेटा, लिख क्यों नहीं रही? आज कोई भी नहीं लिख रहा। इसका दोष ब्रह्मचर्य को दिया जाए या सत्यवादिता को दिया जाए? बहुत अच्छे से समझिए, उसका दोष स्वभाव में को दिया जाएगा, उसका दोष स्वभाव को दिया जाएगा जिसमें क्रोध छुपा हुआ है। दोबारा कह रहा हूं और ये कह रहा हूं, सत्यवादी का जीवन सत्य के साथ है, असत्य से उसका कोई रिश्ता नहीं है। मैंने पिछले दिनों कहा था, चेहरे की गंदगी देख करके और दो शीशे को लगाया जाए
तो दोषी शीशा नहीं है, चाहे आप उसको फोड़ दें, चाहे आप उस शीशे को फोड़ दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, गंदगी वही है जहां लगी हुई है। अर्थात मैं कहना क्या चाहता हूं, आपके पास बहुत सारे गुण हैं, पर कोई एक बुराई भी है, लोभ मोह काम क्रोध, इनमें से कोई एक बुराई भी है। सारी अच्छाइयां होने के बावजूद एक बुराई के कारण आपका विरोध हो जाएगा। कोई डाकू लूट का माल ले आता है, तो उसका श्रेय उसके साहस को ही देना चाहिए, निर्भयता को ही देना चाहिए। पर मुझे एक बात बताओ, सत्यवादिता का शुभ और डकैती का अशुभ फल है? बोलो बेटा, बोलो, है या नहीं है? तो समय के अनुसार उसको दंड या पुरस्कार नहीं मिलेगा? सब तरह से तुम्हें फिट करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, क्या कहा मैंने, एक क्रोध आपके सारे सत्य और आदर्शवादिता को लेकर के, श्रेष्ठता को लेकर के बैठ जाएगा। एक व्यक्ति डकैती डालता है तो उसके निर्भय होने का और साहसी होने का प्रमाण है कि नहीं है? परंतु क्या समय उसको उसके किए का फल नहीं देता? सज्जन व्यक्ति, बहुत अच्छा लाड करके कह रहा हूं, अपनों के द्वारा ही दबाया जाता है, दबोचा जाता है। सज्जन व्यक्ति अपनों के द्वारा ही दबाया और दबोचा जाता है, बोलो हां या ना। घर में ही उसका कचूमर निकाला जाता है, जो छोटा दोष दुर्जनों में और जो थोड़ा गुण था उसका भी बड़ा बुरा फल समय के अनुसार निकल करके आता है। दुर्जन व्यक्तियों का ही उद्देश्य है सज्जनों को सताना, सज्जनों को सताना। ये कहना ठीक नहीं है कि डकैती में धन मिलता है। बेटा, इज्जत पे भी डकैती होती है, श्रेष्ठता पे भी डकैती होती है, सत्यवादिता पे भी डकैती होती है। जरा गहराई में जाकर के सोचो जो मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा है श्रेष्ठता सत्यवादिता पर भी डकैती होती है, लूट का माल, लूट का माल। ये कहने वाले भी आपको मिलेंगे और देखने में भी मिलेगा। दोबारा बोल रहा हूं, जो सच्चे और आदर्शवादी होते हैं वो हमेशा दबाए जाते हैं, मसले जाते हैं, रगड़े जाते हैं। और दुनिया कहती है सच्चाई के रास्ते पर चलकर के इसको क्या मिला? आदमी खुद भी कहता है, मैं सच्चे रास्ते पर चलता हूं तो चलकर के मुझे क्या मिला? बेईमानी करता है, लूट का माल लाता है और मौज कर रहा है।
बोलिए बात ठीक है कि नहीं है। फिर सत्य और आदर्श पर चलने वाला व्यक्ति भी कहता है कि मैं क्या मिला मुझे, मैं क्यों चलूं उस मार्ग पर। एक ऐसा प्रचलन, एक ऐसा प्रवाह समाज की मानसिकता में आकर के, विचारधारा में आकर के बैठ जाता है, सबके सब लूट का माल चाहने लग जाते हैं। मैं पूछ रहा हूं, जरा बताएं, डकैती डालने वाले से समाज घृणा करता है कि नहीं करता? शासन उसको दंड देता है कि नहीं देता? और भगवान के यहां नरक में जाता है कि नहीं जाता? और राजदंड से जेल में पड़ा रहता है, और परमात्मा के दंड से कलह में, रोग में, अस्पताल में वहां पड़ा रहता है। बेटा ये कहने की बात है, पूजा ये सही नहीं कह रही है, ये सही नहीं कह रही है। सबके सब गंभीरता पूर्वक सोचिए। मैंने अभी कहा है, बीच में मन रहता है, मन, उसको लूट का माल चाहिए, लूट का माल चाहिए। तेरी जेब में पैसा है, मेरी जेब में आ जाए, तू क्यों सुखी है? मैं सुखी होना चाहिए, तू दुखी होनी चाहिए? दूसरे का धन, दूसरे की संपत्ति और दूसरे की, मैं नहीं शब्द लगाना चाहूंगा उसको, उसको नहीं कहना चाहूंगा, बस कहूंगा ये बुराई एक ऐसी चीज है जो अपनी तृप्ति करना चाहती है, लूट का माल है। किसी की इज्जत लूट लो, लूट का माल है। बेटा घुमा करके बोला है मैंने, ये मन की गति बता रहा हूं, नरक में खींच करके लेकर के जा रहा है, नरक में खींच करके। लाभ मिला, शरीर निरोगा हो गया, मनोबल बढ़ गया, दुस्साहस करोगे? सतर्कता, मुस्तैदी, निशानेबाजी, चतुरता, अनेक गुण संसार में है और उनके प्रतिफल भी संसार में है। संसार निष्क्रिय नहीं है, संसार निष्क्रिय नहीं है, क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। जो जैसा करेगा उसके सामने वैसा ही परिणाम पैदा हो जाएगा। अंतर एक है, अच्छे काम का फल देर में और बुरे काम का तुरंत मिलता है, बस इतना अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। आदमी तुरंत फल के चक्कर में, तुरंत फल के चक्कर में बस यहीं पर मार खाता है। आदमी कहता है अभी मिले, मुझे मिले, और यहां तक भी कहता है लूट का माल मिले, मुझे करना ना पड़े। मैंने पिछले दिनों में कहा था कि अपने गुरु को भी लूटना चाहता है। समझ नहीं आ रहा किसी को भी। सत्य का मार्ग भगवान का पक्का रास्ता है, उसमें भगवान है, साथ देने वाला भगवान है, और पाप का रास्ता, बुराई का रास्ता, उसमें साथ देने वाला शैतान है।
कहने को तो मैं भी पूछूंगा, सब लिख देंगे, पर मैं ये देखता हूं बाद में कोई नहीं लिखता। इस समय तो सब बोल देंगे। अभी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, सत्य के रास्ते पर चलोगे, शैतान के रास्ते पर चलोगे या भगवान के रास्ते पर चलोगे? अभी मत लिखना कोई भी, व्हाट्सएप पर लिखना। और मैं ये भी देखता हूं कि 2, 4, 6 को छोड़ करके लिखते नहीं है। लाभ तुम्हें तभी मिलेगा, उस स्तर तक तुम तभी पहुंचोगे। मैंने कहा है, चेतना का उद्देश्य है अपने लक्ष्य तक पहुंचना। चेतना का उद्देश्य है अपने लक्ष्य तक पहुंचना। ये जो कमजोरियां हैं, ये ही हमें बीच में रखती हैं। हाँ बेटा, क्या करूं? कल बताऊंगा, आज का समय पूरा हो गया है, कल बताऊंगा। करो सवाल, मैं तो कहता हूं बोलो, लिखो, नहीं तो वहीं पड़े रह जाओगे। हाँ बेटा दीपा, यही रास्ता भगवान का रास्ता है, पर मानता कौन है? चतुरता, चालाकी, धोखा, लूट का माल, तीर्थ में बैठे हैं। हर आदमी लूटना चाहता है हर किसी को। तीर्थ चेतना गुट। और बेटा एक ही बात कह रहा हूं, लुटती शक्ति है, लुटती जो है शक्ति लुटती है। शक्तिमान लूट लेता है, ये कहिए कि लूटने में भी रस है, उसको लूटने में भी रस है, परंतु वहां सत्य और आदर्श तो हो। मर मिट जाए शक्ति उस पर, मर मिट जाए, कुर्बान हो जाए। ध्यान कर लीजिए, सालू लिख रही है, बेटा कल समझाऊंगा क्या करना चाहिए, और अपने आप भी सोचना मुझे क्या करना चाहिए उस रस को पाने के लिए, उस दौलत को पाने के लिए, ईश्वर की दौलत को पाने के लिए। और इसमें ये कहूंगा, तू अपने बच्चे को क्या देना चाहेगी? ध्यान कर लीजिए, सविता, इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता सविता उपास, ब्रह्मवर्चस उपास, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण विसर्जन विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत, कुंडली जागरण।
कुंडलनी जीवनिषत् कुंडलनी अंत ऊर्जा कुंडलनी प्राण विद्युत कुंडलनी योगाग्नि कुंडलनी ब्रह्म ज्योति सविता शक्ति का कुंडलनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का, प्रथम चरण कुंडलनी जागरण का प्रथम चरण मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन मंथन से अंत ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय
ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से सरचक्रों का वेधन मेरुदंड मार्ग के सरचक्रों का वेधन प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन चक्रवेद शब्दवेद लक्ष्यवेद वेधन शोधन जागरण षटचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण स्वाधिष्ठान चक्र जागरण मणिपुर चक्र जागरण अनाहत चक्र जागरण विशुद्ध चक्र जागरण आज्ञा चक्र जागरण षटचक्र जागरण कुंडलिनी जागरण चतुर्थ चरण विस्तरण सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार ब्रह्म सत्ता में विस्तार चिंगारी का दावानल में विस्तार ज्योति का ज्वाला में विस्तार
मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलनी जागरण। पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, सोमा ज्योतिर्गमया।
तम सो ज्योतिर्गमय तम सो ज्योतिर्गमय असतो सद्गमय असतो सद्गमय असतो सद्गमय ॐ मृत्योर्मामृतङ्गमय 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 तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के पांच चरण पंचोंकार कहता हूं आज फिर कह रहा हूं जो समझाया है उस पर गहन चिंतन करना और बार बार सुनना तब समझ आएगा आज की बात संपन्न।